NCHSCEM inaugurates COVID care center at Haflong. With the inauguration of CCC at Haflong today, at least 200 seats for COVID care were made ready to fight corona in Dimahasao. NC Hills Autonomous Council Executive Member 8 Samuel Changson, in charge medical etc., in presence of Secretary Medical etc., TT Daulagufu, Joint Director of Health Service Dr. Dipali Burman, Superintendent Dr. Kalpana Kemprai, Dr. A. Kakati and nurses inaugurated COVID care center near Haflong Civil Hospital on Monday. The previous nurses' hostel was renovated with NCHSC initiative to make the COVID care center as the corona cases in and around Haflong on rise. Several home quarantine patients were found serious and was admitted in hospital. Talking to the media, TT Daulagufu's secretary said they were being prepared with the resources from council to fight even the worst situation. COVID care center banaya, cases barte hain. Hopefully hum log cases ko kamti karne ke liye to koshish karta hai. लेकिन हम लोग वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर तो रहने लगता है. तो अभी हमें हम लोग उनका रूम वाइज है, कोई फैमिली से हुआ तो एक एक रूम भी हम लोग दे सकेगा. टॉयलेट वॉयलेट ठीक से फिर उसको बनाया है, इधर साफ़ सुथरा भी बहुत किया है. और ऐसे ही तो हम लोग को 16 रूम्स है और इधर किचन है जिसको हम लोगों ने डाइनिंग रूम है जिसको भी हम लोग कन्वर्ट कर दिया ऐसा वार्ड का जैसा. तो 50 आदमी तो यहाँ आराम से हम लोग रखने सही है. पहले क्या रहा ये क्या रहा? पहले तो ये उसका GNM ट्रेनिंग उस इंस्टीट्यूट का हॉस्टल था. हाँ, उसका भी हम लोग किस तरफ से ये सब रिनोवेशन बाजू भी ये तो हम लोग काउंसिल की तरफ से किया है. काउंसिल का SOPD फंड से ये तो किया है. और अभी हम लोगों ने उसका भी उधर जो बिल्डिंग है कोविड हॉस्पिटल जो है उसका फर्स्ट फ्लोर भी हम लोगों काउंसिल के पैसे से अभी हम लोग बनाता है तो वो भी हो जाएगा. और हफ्ता 10 दिन में वो भी हो जाएगा तो उधर भी हम लोग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगा. और उसके ऊपर भी हम लोग बनाते हैं वो भी सब. तो मोटा मोटी हम लोग का कितना कैपेसिटी हो जाएगा? ये सब हो जाने से तो 200 अबव हो जाएगा. हाँ, वो भी तो हॉस्पिटल. और ये छोड़ के हम लोग का लंगटिंग में तो है. लंगटिंग में बनाई दिया कोविड केयर सेंटर बनाया और हरंगाजों में बनाया और उमरांसू में है. तो सीरियस पेशेंट्स को तो इधर ले आता है. तो अभी हम लोग का ई एम साहब बहुत जोर दिया है वो देने के कारण से अभी हम लोग प्रिपेयर है अभी वो सिचुएशन के लिए. लेकिन हम लोग का मेहनत उसमें नहीं है. हम लोग का मेहनत कोविड को रोकने में है. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहेगा उसमें नहीं है. ज़्यादातर हम लोग उस तरफ में ध्यान देते हैं. EM Changson said council has been trying its best to save the people. He appreciated the frontline workers including doctors and others doing their best. He said conscious among the people regarding test and vaccination is the need of our. Let us fight unitedly, he added. कर आज मई के 31st दिन में Haflong सिविल हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में जो कोविड केयर सेंटर है कोविड हॉस्पिटल का वार्ड है उसका आज में कैपेसिटी हम लोग लास्ट एक हफ्ता बीमा में इंक्रीज़ करने लगा. क्योंकि जब कोविड केयर सेंटर जो कोविड पॉजिटिव सीरियस वाला होम आइसोलेशन है हालत हुआ कि जो हम लोग का जो GNM स्कूल का वो बिल्डिंग में वरेंडा तक भी बेड लगाना पड़ा. तो इसलिए आई कमेंड द टीम हम लोग काउंसिल का हम लोग एडवांस काम काउंसिल फंड के करके कॉन्ट्रैक्टर से लेके सब हम लोग का काउंसिल सेक्रेटरी से लेके सुपरिंटेंडेंट जॉइंट डायरेक्टर मैडम और PWD इंजीनियरिंग प्लस यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स कौन कौन इतना जल्दी से करना पड़ा. मार्च 1 तारीख से 3 महीना ठीक दिन हुआ. यहाँ में 1410 केसेज जैसा हम लोग का पॉजिटिव उसमें से अभी एक्टिव है कल रात तक तो 899 पकड़े. वहाँ में 820 तो होम आइसोलेशन में है. बट बहुत दुखी की बात है यहाँ में 60 है फिर भी बहुत सीरियस केस हुआ बहुत ऑक्सीजन यूज़ हुआ है. और उसके साथ साथ में एक अलार्मिंग ट्रेंड है लास्ट 3 दिन में हर एक दिन में 1-2 मोर्टेलिटी जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है ज़्यादा है. और यहाँ में टोटल तो हम लोग 8 हो गया है. बट उसमें से क्या हुआ है हम लोग ये दिस डज नॉट इंक्लूड जो हम लोग रिफर्ड केसेस डिपार्टमेंट में रिफर होके गुवाहाटी में मर गया क्योंकि वह गुवाहाटी कामरूप DC के अंदर आता है डबल रिकॉर्ड नहीं हो सकता है. तो फिर भी यह बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो गया था. सो फर्स्टली तो लास्ट में वैक्सीन में आएगा फर्स्टली तो क्या है हम लोग उसको कौन कोविड है नहीं है हम लोग करना था. तो वो हम लोग ज़बरदस्ती हम लोग मार्शल रॉ नहीं
बीमासाओ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, काउंसिल हो या कोई भी हो, हम लोग ज़बरदस्ती किसी को मत आओ ना आओ तो लॉकडाउन तो पूरा ऑल इंडिया में लाइव भी चलना है। तो किसी साथ में इस साल ज़्यादा टेस्टिंग यस 10-15 दिन में हुआ था। टेस्टिंग में हम लोग बहुत अभी अलार्मिंग हुआ अपना सभी के सारा है, गाँव गाँव में हो रहा है, हरिंगमा तरफ, थाइजोरी तरफ, इस तरफ भी अभी गाँव में भी कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। सो वी ऑल हैव अपील, एवरीबॉडी हैव ट्राइड, कोई कोई मानता है बट बहुत पब्लिक भी नहीं मानता है क्योंकि कोविड का चीज़ को क्या है, हैरान भी नहीं है। बट प्राइमरीली सबसे मेडिकल डिपार्टमेंट का ड्यूटी होगा पहले जो बीमारी लोग को जैसा है ट्रीट करना, जैसा है अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन सपोर्ट कहाँ में मेडिकली रिक्वायर्ड। उसमें से हम लोग ये कोविड केयर सेंटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट अथॉरिटी से बात करके भी आज का स्थिति हुआ है कि हम लोग का DDMA फंड में भी लाइबिलिटी बहुत है लास्ट ईयर का क्वारंटाइन है, तो अभी भी हम लोग काउंसिल का फंड से ये सब इमरजेंसी वो उमरोंगसो में तो निपको लोग कंट्रीब्यूट करा है, उन लोग का निपको डिस्पेंसरी 10 बेडेड है, लांगटिंग में अराउंड 40 बेडेड, हम लोग मॉडल हॉस्पिटल के बगल में हम लोग कोविड केयर सेंटर है, तो उसके साथ साथ हरंगजाव में अभी 20 बेडेड ना और सो वो 20 बेडेड जैसा कोविड केयर सेंटर हो रहा है। उसके बाद अरेंजमेंट विद द कंपनी भी है, हाफलोंग में ज़्यादा केस यहाँ में रेफर हो रहा है, तो इसमें एक चीज़ होके आप लोग भी आया हुआ है। द मेडिकल डिपार्टमेंट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट, एवरीवन इज़ वर्किंग, हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वर्कर्स भी बोलो सब कॉपरेशन कर रहा है। अभी पब्लिक ही है हम लोग होशियार होना है, टेस्ट करो, टेस्ट के बाद आपका अपना खरा टेस्ट करवाया। आज भी हम लोग आज के दिन में हाफलोंग कल रात तक पॉजिटिव रेट 5 point something है, पर ये 10 दिन में फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 10 to 5 के बीच में ना। सो ये तो है, पर ये हम लोग का छोटा पॉपुलेशन के लिए और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोरी हो के बहुत तकलीफ है, तो इसलिए हम लोग हाँ जी आपको रेड टेस्ट का है। रेड टेस्ट तो जो गांव कमेटी गांव बुरा लोग रिक्वेस्ट करता है, हम लोग का जो ब्लॉक का इंचार्ज लोग जगह के कर रहा है, कमरसुद्दीन भी हम लोग का एक गांव बुरा का भाई इन्फेक्ट हुआ, तो कल में सब जिंगबरा से जाके पूरा थाइजोरी बाजार में थाइजोरी गांव को टेस्ट कर दिया, ताकि फॉर्चुनेटली कोई पॉजिटिव अभी तक नहीं है रेड। बट यहाँ में रेड का जो जाके है कहाँ कहाँ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है, मेडिकल डिपार्टमेंट जाके टेस्ट करो बोल के सब नहीं निकलता। नहीं, हम वो नहीं बोलते। हाँ। टेस्ट करने के बाद में हाँ। जो पॉजिटिव निकलता है हाँ। उसको तो एम्बुलेंस से घर में भेजना है ना। हाँ। वो तो मदर में घूम रहे थे सबको हम लोग कैसे सबको लेकिन कैसे करेंगे, ऐसे तो स्प्रेड हो रहा है ना। सो आई एम द मेडिकल इंचार्ज एंड आई थिंक योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल बेटर आंसर दैट राइट फॉर दैट। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड डू सम मोर स्टेप्स रिगार्डिंग दैट wherever rat test and all that, a doctor or a MPW or a nurse or lab technician वो enforce करके नहीं, उसके पास भी if in vehicular भी कमती है, किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। But the district disaster management authority also can do little bit more coordinate. Number one is we have to be whether हम लोग positive का आदमी के साथ अभी भी गया है, but it doesn't mean that you don't. Positive person भी home isolation जाना है, if he takes care then he can prevent a lot of things, na? A lot of transmission वो बात है, अपना आपको सेल्फ कंट्रोल। सोसाइटी में हम लोग कोई डरता नहीं है। अभी देखो कोविड मेन है कम टू वैक्सीन, वैक्सीन में हम लोग मेन इज़ द मेन फॉर्म ऑफ फ्यूचर, हम लोग लॉन्ग रन में ये कोविड को हम लोग जीतेगा। पर आज में क्या बात खेल रहा है ये, कल में हम आज सुबह आया था हम दूसरा जगह से दिमासव का अंदर गाँव में क्या खेल रहा है, ये 3-4 दिन में आदमी हर दिन मर गया, एक वो वैक्सीन लेने वाला को मर गया बोला। सो हाउ कैन रिपीटेडली हम लोग समझा रहा है फिर भी हम लोग का गांव वाला बात नहीं कर रहा है, तो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। फिर बार बार हम लोग अपील करेंगे, आप लोग मीडिया लोग भी बार बार वो सेंसिटाइज करना है, कर रहा है, आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी रिस्क लेके एंड सब फ्रंट लाइन वर्कर्स हम लोग का मेडिकल टीम बाई दो खुद भी अभी अपना रिकवर होके अभी अपना फेस हो रहा है एंड मैनी नर्स लैब टेक उन लोग भी पॉजिटिव साथ साथ में हो रहा है। बट इन द लॉन्ग रन ये हम लोग का कोविड वैक्सीन पोजिशन तो टारगेट ऑफ 1,45,000 जैसा है, वहाँ में हम लोग का ऑलमोस्ट 40,000 कवर हुआ है, 39 फर्स्ट या सेकेंड डोज, डबल डोज लेके तो 10,000 जैसा है सेकेंड डोज कवर हुआ है इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स, तो इसलिए उसका
वैक्सीन का स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस तो हम लोग तो सुना है जून के अंदर में बहुत और आ जाएंगे। एज ऑफ नाउ हम लोग का स्टॉक तो थोड़ा कमती है, आई थिंक 2400-300 डोसेस है। तो फिर भी रिक्वेस्ट ऑल टू कॉपरेट, नॉट टू पैनिक। वैक्सीन आपका ऐप में जल्दी नहीं मिलने से भी मत कॉपरेट करिए, मत पैनिक मत करिए। एज लॉन्ग एज हम लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं जो सरकार ने देता है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट देता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट देता है, उसको फॉलो करने से ग्रेटली रिड्यूस कर सकते हैं। सम थिंग्स आर बियॉन्ड कंट्रोल, जो किस पेशेंट को क्यों ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्यों मर भी मर सकता है, जान भी जाता है, तो हम और आपको ऐसे मालूम, साइंटिस्ट लोग भी अभी आंसर नहीं है। पर जरूर ये वैक्सीन इज़ इफेक्टिव, SOP जो कोविड कंट्रोल इज़ इफेक्टिव। हम लोग का पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट स्टाफ दो डोज लिया है, इसलिए यहाँ में पॉजिटिविटी बहुत कम है। हम बार बार देखा, फोर्थ ग्रेड स्टाफ लोग भी एक्सपोज हो रहा, अपना आँख से बहुत देखा है लास्ट वीक भी। पर कुछ तो प्रिवेंशन तो हो रहा है, और अगर जो होता है कमज़ोरी भी होता है, जो ICU तक ऑक्सीजन तक नहीं चाहता है, तो बहुत एक तरफ में एक और कदम बोलेंगे। ये लंबा सफ़र है कोविड का सर, दिमाशाओं में भी हम लोग का जो कोविड केयर, अपना दिमाशाओ आदमी के लिए वन कहाँ से हो, कहाँ से हो बातें, ये सब कलेक्टिव एफर्ट करा। आप लोग भी आके एक दो शब्द बोलने के हम लोग को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेट्स कंटिन्यू द फाइट टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कम्युनिटी हो, या रिलीजन हो, या पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या है, ये चीज़ एक साथ होना। थैंक यू। 10 जून तक है, फुल 70% कंप्लीट है, इंटरनल थोड़ा कमती नहीं है, देखा है मेरे ख्याल। हम लोग